हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं कंप्लेन लेटर, जिसके अंदर हमें टॉपिक दिया गया है डैमेज प्रोडक्ट रिसीव। आपके पास एक प्रोडक्ट आया जो कि ख़राब है, उसके बारे में हम लर्न करेंगे। ये 8 नंबर का टॉपिक आता है, आपको ध्यान रखना है इसके अंदर क्या क्या हम स्टेप्स को देखेंगे। ये फॉर्मल लेटर का पार्ट है आपका, ठीक है। सबसे पहली जो 3 लाइनें हैं, 3 लाइनों के अंदर आप क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, 3 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना, 3 लाइन से कम नहीं लिखना, आपको 3 लाइन के अंदर ही मैंशन करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक लाइन को छोड़ेंगे, उसके बाद आप डेट लिखेंगे, ठीक है। डेट के अंदर आपको डेट मैंशन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू राइट डाउन द डेट, वट एवर द डेट इज ऑन दैट डे, ओके। उसके बाद दोबारा से आप एक लाइन को छोड़ेंगे, उसके बाद आप जिसको भी लेटर लिख रहे हैं, जैसे मैनेजर को लिख रहे हैं तो द मैनेजर, 2 नहीं लगता, पहले 2 लगाते थे हम, लेकिन अब हमें 2 नहीं लगाना है। जिसको भी लिख रहे हैं, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट टेरेस शॉप न्यू दिल्ली, ये हम 3 से 4 लाइन के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, फिर एक लाइन छोड़ने के बाद आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, इट शुड नॉट बी मोर देन 5 लेटर वर्ड्स, 5 वर्ड से ज़्यादा का मत लिखना। 5 से ज़्यादा वर्ड लिखोगे तो मार्क्स कट सकते हैं। जितना ज़्यादा कैची टाइटल होगा, उतने ज़्यादा आपको इसमें मार्क्स मिलने की संभावनाएं रहेंगी, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ने के बाद रिस्पेक्टेड सर या डियर सर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। देन फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आप ये बताना कि आपने वो चीज़ कब खरीदी थी, कैसे खरीदी थी, क्या बिल नंबर था, क्या डेट थी, कितने प्राइस का खरीदा था, और उसको आप क्या कहोगे कि मुझे उसको रिप्लेस करना है, ठीक है। अगर उसकी गारंटी है तो, अगर उसकी वारंटी है तो आपको उसको कहना है कि मुझे ठीक करके देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है। सेकंड पैराग्राफ में आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जितना जल्दी पॉसिबल होगा आप उसको चेंज कीजिए, मैं चाहता हूं उसको जल्दी से जल्दी हैंड ओवर करना, जिससे कि वो चीज मुझे मिल जाए और मैं सेटिस्फाई रहूं आपकी कंपनी से। ये 2 पैराग्राफ कंप्लीट करने के बाद आप इसके अंदर लास्ट में लिखेंगे थैंकिंग यू, एक लाइन छोड़ने के बाद योर सिंसियरली या अफेक्शनेटली, और लास्ट में अपना नाम लिखेंगे आप। आपको इस फॉर्मेट को अच्छे से याद रखना है। जो स्टार्टिंग का पार्ट हमने किया है और जो लास्ट का पार्ट किया है, ये आपका 4 नंबर कंटेन करता है, और जो बीच का सेक्शन बच गया वो भी आपका 4 नंबर कंटेन करता है। तो आपको ध्यान रखना है, फॉर्मेट के आपको मार्क्स मिलेंगे, उसको मत छोड़िएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में भेजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके और 100 आउट ऑफ 100 आप मार्क्स गेन कर सकें इंग्लिश में। थैंक यू सो मच।